तो हमारे नर्सरी प्रभारी से पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या इलाज किया जाता है, कौन कौन से रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ निःशुल्क उपचार होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ शुल्क नहीं लगाया जाता। अभी नर्सरी के अंदर जाने वाले हैं तो देख सकते हो यहाँ नर्सरी का गेट है। अनुसंधान विस्तार वन मंडल रायपुर महासमुंद इकाई का, तो हम अंदर जाके आपको अच्छे अच्छे पेड़ पौधे औषधि पौधे आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ अंशोलॉक्सी जी के साथ चलिए। दोस्तों देख सकते हो आप मैप ऑफ गवर्नमेंट नर्सरी महासमुंद का, इस प्रकार यहाँ आपको मैप दिखा रहा है। मैप के माध्यम से आप देख सकते कि कहाँ कौन सा पौधा लगा है और कहाँ क्या है। मैं बता दूँ कि इसकी स्थापना वर्ष 1984, इसका क्षेत्रफल है 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र वन मंडल रायपुर महासमुंद इकाई है। दोस्तों चलते हैं पौधों की ओर। पेड़ पौधों को देखने से पहले हम खल्लारी माता का दर्शन करते हैं जो वन मंडल में विराजमान है। दोस्तों चलिए दर्शन करते हैं माता खल्लारी की जो वन मंडल इकाई महासमुंद में विराजमान है। बोलो माता खल्लारी की जय। दोस्तों आप यहां आके मन्नतें मांग सकते हो। देखिए माता खल्लारी विराजमान है यहां। बोलिए माता खल्लारी की जय। आप देख सकते हैं ज्योति कक्ष है, आप यहां आओगे तो ज्योति जला सकते हो। माँ खल्लारी मंदिर की स्थापना वर्ष 2012 रोपणी महासमुंद की। और ये रामफल, ये रामफल है सर, आप बता सकते हैं रक्त चंदन किस काम आता है? रक्त चंदन वैसे तो लकड़ियों जैसे चीता जलता है, पूजा धार्मिक काम में काम आता है, उसका काम है। ये मदन मस्त की पौधे हैं, मदन मस्त के पौधे फल है। खुशबू जो है आपको बहुत भाव विभोर कर देगा। अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू रहती है इसकी, बहुत ज्यादा खुशबू। अरे मतलब किस काम आता है? बस खुशबू के लिए। मदन मस्त मतलब मस्त मौले पौधे के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक, अधिकतर कहाँ पाया जाता है बता सकते सर? पौधा अधिकतर तो जानकारी नहीं है इस संबंध में, परंतु इतना जरूर बता सकता हूँ हमारे पास एक पौधे हैं जो इस हाइट के हैं। ठीक सर। चलिए और कुछ पौधे हैं। ये शमी है। अच्छे से धार्मिक उपयोगिता इसके लिए है, जो शनि महाराज का पूजा किया जाता है, उपयोगिता है। देख सकते हो आप ये शमी पेड़ है जो शनि महाराज को बहुत सुशोभित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं, पौधे हैं, तो आप आइए तो जरूर घूमिएगा यहाँ। देखिए यह महुआ का पेड़ है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो इसे लगा सकते हो यहाँ से। सर ये किसका पेड़? ये बुहार पेड़ है, बुहार भाजी वाला। बुहार भाजी जो आप सुने हो, छत्तीसगढ़ी का बेस्ट भाजी बोला जाता है जिसको, तो ये वो है। ये है तो आप आके यहाँ देख सकते हो। ये बंगला पान जो पान खाने मशहूर हो, जरूर अपने घर में जाके लगाएं। सर बता सकते हो बंगला पान कैसे लगाना चाहिए? इसका कटिंग लग सकता है, इसकी कटिंग लग सकती है जी। तो बंगला पान का आप कटिंग लगा सकते हो। सामने देख रहे हैं कोई इलायची है, इलायची का प्लांट है। ये हर्रा, हर्रा हर्रा तो बहुत काम आता है, जो खांसी वगैरह होता है उसमें आप इसको भी लगा सकते हो। अगर बाड़ी वगैरह हो, बहुत बड़ा प्लांट हो तो जरूर यह है लगा सकते हो। महोगनी है, देख सकते हो महोगनी।
ये मीठी तुलसी है जिसको आप टेस्ट करके देखिए। चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ, मीठी तुलसी बोल रहे हैं। मीठा मीठा तो लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। औषधि के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। बड़ी अजवाइन, चाहिए बड़ी अजवाइन है। खुशबू, खुशबू लीजिए, अरे बहुत ज़बरदस्त है खुशबू इसका। आप भी आई तो एक बार जरूर खुशबू लीजिएगा इसका। सीताफल, ये सीताफल है जैसे आपको रामफल दिखाया था, तो ये सीताफल है। ये रेयर वैरायटी है लक्ष्मी तरु। लक्ष्मी तो जो रेयर है, जो मिल अभी मार्केट में नहीं मिलता होगा, मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ यही मिलेगा। इसकी उपयोगिता ये है कि वजन के हिसाब से ये कैंसर में भी कारगर है। अच्छा, इसको आप सब कैंसर जैसे कि स्टार्टेज में हो तो यह कारगर है, ऐसे टाइप का कारगर है। दूसरी चीज ये है कि इसकी वजन के हिसाब से इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे आपका वजन 5 किलो है तो 1 पत्ती, 10 किलो है तो 2 पत्ती, इस हिसाब से आप। अच्छा, वजन के हिसाब से। हाँ, इसका एक काढ़ा भी बनाया जा सकता है या चूर्ण भी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग ये पहली वैरायटी है जो बहुत रेयर है ना, पहली बार आया। ठीक सर, ये महोगनी, महोगनी है। ठीक, महोगनी प्लांट है। इसी प्रकार और अच्छे अच्छे प्लांट मिलेंगे आपको, अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ आके देख सकते हो। देखिए ये गार्डन का में गोल्डन हैज बोला जाता है। गार्डन में अधिकतर आप देखे होंगे कि ये लगता है तो यहीं से ही जाता है। देखिए शिशु और सुषम, इमारती वृक्ष है, नीम का है, ठंडक के लिए, आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है। अभी सर ये दिख रहा है वो क्या है, वाइट वाइट जो क्यूकंथ, क्यूकंथ है। आगे यदि आप देखेंगे रेड तो कलिहारी है, वो कलिहारी है जो आप रेड देख रहे हैं, वो कलिहारी का वृक्ष है। जो कला है जिसके आप देखे हो कि बचपन में आप कुकरी लड़ाई या कुकर लड़ाई कराते थे, उसका मान्यता इसके लिए है। और अच्छा अच्छा प्लान दिख रहा है इधर सर। इधर और कुछ बताने का है क्या? आप ले लीजिए प्लांट्स को, करंज है, ये करंज है, ये करंज है, देख सकते हो करंज है, ये महुआ है, और ये अपना कुम्हार है, ये मुनगा है सामने, आप मुनगा है, ये हाइब्रिड मुनगा है, हाइब्रिड है, मतलब देसी माना जा सकता है लेकिन बड़ी वैरायटी, बड़ी वैरायटी की है। और ये क्या है? ये खमार, खमार है, देख सकते हो सर। आप खमार के बारे में कुछ बताएंगे, क्या विशेषता इसका? इमारती, इमारती लकड़ी है, अभी इमारती कास्ट के रूप में। ये महुआ है, देख सकते हो महुआ का वृक्ष ज्यादा दिख रहा है यहाँ। हाँ, और दिखाएंगे आपको। चलिए सर और कुछ बताइएगा। बहड़ा, हर्रा बहड़ा आंवला, बहरा हरड़ा और आंवला है यहाँ, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे प्लांट है यहाँ और हरा भरा भी है। तो आप आओ तो एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा, महासमुंद में BTI रोड में है, जो मचिवा जाने के रास्ते में। हरा बहरा आंवला, देखिए इमली है, मीठा इमली है, जो है दो वैरायटी का आता है, अपना काला सीरस है और सफेद सीरस। देख सकते हो सीरस दो वैरायटी का आता है यहाँ, काला और सफेद। तो ये सीरस का पेड़ है, बहरा, महानीम। देखिए दोस्तों महानीम है, जिसे कल हरियाली प्रसार किया गया था, तो उसके लिए महानीम का बहुत आवश्यकता पड़ता है। तो आप भी अपने कहीं गार्डन या फिर बैठने के स्थान पर लगा सकते। देखिए आंवला का पेड़ है, बहुत ही काम आता है आंवला, जैसे कि बाल झड़ने या फिर बहुत से काम है उसका, आंवला का बड़ी वैरायटी।
बड़ी वैरायटी का जामुन है। आप आओगे तो यहाँ बोर्ड मिल जाएगा आपको, बोर्ड के अनुसार से आप देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मुनगा का है, यहाँ का मुनगा आप एक बार ले जाकर देखिएगा। ये करंज है, इसको करण भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। रीठा है जो आपको बाल झड़ने और बहुत सारे उपयोगिता है इसका, जो आप एक बार नेट में जरूर सर्च करेंगे इसके बारे में। सर इसके बारे में कुछ और बताएंगे आप रीठा के बारे में? मेरी जानकारी अनुसार सिर्फ बाल झड़ने और सुनार लोग जो है सुनार लोग इसका उपयोग जो है सोने को मांजने के लिए। देखिए आप भी इसको सोने में, आपके पास सोने चांदी हो तो जरूर मांजने के लिए आया उपयोग कर सकते हो। यह खम्हार है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पर सीधा आप आए तो एक बार जरूर यह दर्शन करिएगा या देखिएगा। लक्ष्मी तरु, सर लक्ष्मी तरु के बारे में बताया थे क्या? लक्ष्मी तरु है, यहाँ गुलमोहर भी है। गुलमोहर आप अलग अलग वैरायटी में भी देख सकते हो, छोटा बड़ा गुलमोहर मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हो पपीता को, पपीता के विशेषता को आप हमसे बेहतर आप लोग जानोगे क्योंकि यह ग्रामीण फल भी है बोला जाए तो, यह हर घर में पाया जाता है। सर ये क्या है? कचनार कोलियारी भाजी। देख सकते हो एक कचनार है, देख सकते हो एक कटहल है। तो आप बोर्ड दिखा देता हूँ आपको, एक कटहल है, ये हर्रा आ गया। तो महासमुंद नर्सरी के बारे में आपको हमने बहुत कुछ बता दिया या फिर आगे और बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ का बहुत ही विशेषता कि यहाँ बहुत सारे रोगों का भी इलाज किया जाता है। तो हमारे नर्सरी प्रभारी से पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या इलाज किया जाता है, कौन कौन से रोग का इलाज किया जाता है। सर बताइए कि कौन कौन से रोग का इलाज किया जाता है यहाँ? मूलतः बहुत पुरातन मतलब कई वर्षों से पहले से बवासीर सफाई से बोला जाता है अंग्रेजी में, उनका इलाज है। मुर्गी है और जो हाइड्रोसिल जिसको अंडकोष बोला जाता है उसका उपचार भी किया जाता है, और पीलिया का भी उपचार यहाँ किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आपको मेडिसिन के माध्यम से बहुत तकलीफदायक होगा, बहुत मतलब महंगा होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कितने पैसे में या फिर कितने में इलाज होता है, आप यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ निःशुल्क उपचार होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ शुल्क नहीं लगाया जाता है इस नर्सरी में। आप आ करके स्वयं स्वविवेक से यहाँ देख सकते हैं हर एक चीज़ को, और यहाँ निःशुल्क उपचार ही संभव, निःशुल्क उपचार। देखिए दोस्तों आज के ज़माने में भी यहाँ निःशुल्क उपचार चल रहा है, तो यहाँ आप आइए तो जरूर कोई भी बीमारी हो, जैसे कि आपको बताया गया कि कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारे एक विशेष अधिकारी हैं आरएस परिहार, राजेंद्र सिंह परिहार, जो डिप्टी साहब हैं धमतरी में अभी पोस्टेड हैं, उनसे आप तो सलाह मशवरा कर सकते हैं इस संबंध में, और ज़्यादा उनको मैं प्राथमिकता और गुरु मानूंगा इस नर्सरी के। ठीक सर, धन्यवाद। और कुछ बताना चाहते हैं सर नर्सरी के बारे में? और मेरे सह प्रभारी से आप बिल्कुल, हाँ मेरे सह प्रभारी से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए सह प्रभारी से पूछते हैं कि यहाँ बताइए सर आप यहाँ नर्सरी के बारे में कुछ। और जैसा कि बघेल साहब बता रहे थे यहाँ बहुत सारे मेडिसिन प्लांट वगैरह है, और यहाँ बहुत वर्षों से हमारे यहाँ रोगों का इलाज किया जाता है, जिसमें से
जितना अपना यहाँ करते हैं इलाज उससे भी हट के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फ्री में आके यहाँ मेडिसिन प्लांट वगैरह लेके जाते हैं, जिसमें अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, गुरमार है, गिलोय है, ये सब चीज़ आपका बुखार हो गया है ना, शुगर हो गया, ये सब चीज़ में अपना इलाज होते रहता है। अभी तक हमारे यहाँ हमारे जानते तक 2013 से लेके अभी तक के डेट में करीबन 15,000 से 20,000 तक मरीज आ चुके हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से आते हैं मरीज? यहाँ मरीज बोलेंगे तो रायपुर दुर्ग से लेके इधर सरेपाली तक आ चुके हैं, उड़ीसा से भी आ सकते, बहुत सारे, बहुत मतलब आउट एरिया से, और ज़्यादातर अपना इस एरिया के लोग भी बहुत आते रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ आइए तो आप निःशुल्क में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको नर्सरी घूम कर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे लिंक दिए गए वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ये सर्पगंधा है, आप देख सकते हैं औषधि पौधा है। देखिए काली हल्दी है, आपने पीली हल्दी बहुत देखे होंगे आपके घर में होंगे या फिर कहीं बाड़ी में लगाए होंगे, लेकिन यह काली हल्दी है। देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे औषधि पौधे दिखा रहा हूँ अब। यह अश्वगंधा है, आप देख सकते हो। देखिए ये सतावर है सर, देखिए सतावर का प्लांट है। चलिए आपको और अच्छे अच्छे प्लांट दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये है, ये उत्तरण जीवा है, देखिए ऐसी आपको और अच्छे अच्छे पौधे मिलेगा, आपको बने रहिएगा हमारे साथ। सर ये क्या है? ये कटहल का वृक्ष है, देखिए बड़ा हो गया, कुछ टाइम बाद फलने स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ये गुड़मार है, यह नार टाइप का होता है सर, इसका फायदा कुछ बता सकते हैं? शुगर जो जिसके हर एक इंसान में पूछा कि लिमिट में शुगर होता है या उसके लिए है, तो अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो आप इसमें ठीक हो सकते हो, तो आप इस शुगर के लिए उपयोग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये विधारा का है सर, तो किस काम के लिए आता है विधारा? जिसके आपके घाव हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है तो विधारा से आप ठीक कर सकते हो। चलिए और औषधि पौधा सर, देख सकते हो पूरा यहाँ औषधि पौधों का भंडार है। तो यहाँ एक बार महासमुंद आओ तो जरूर एक बार यहाँ आके देखिएगा। यहाँ नर्सरी घूम के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहाँ आ चुके हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमें बता सकते हो कि यहाँ आ चुके हो, पौधा लेना हो या फिर ले जाना हो कहीं बहुत बड़े प्लांटेशन करवाना हो, तो आप यहाँ के लिखवा सकते हो अपना नाम और यहाँ से पौधा ले जा सकते हो। धन्यवाद।